हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, फेस्टिव सीजन का को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैं लिख रहा हूँ एक गेट रेडी विथ मी वीडियो फॉर फेस्टिव सीजन। इसमें मेकअप, ड्रेस, ज्वेलरी सब की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में। सो शुरू करेंगे फेस को प्रेप करने से। मैंने यहाँ पर मेबलिन का लिप बाम यूज़ कर लिया है। उससे पहले अपने फेस को वॉश कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। सिंपल का फेस वॉश मैंने यूज़ किया है एंड यहाँ पर मेबलिन का लिप बाम यूज़ कर लिया। अब आते हैं स्किन केयर पे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मेकअप विदाउट स्किन केयर कुछ भी नहीं है। तो पहले करेंगे स्किन केयर। स्किन केयर के लिए मैं शुरू करूँगी एक बहुत ही अमेजिंग से मॉइस्चराइज़र से। ये मॉइस्चराइज़र है फ्रॉम ब्रांड रियो हर्ब्स। ये मॉइस्चराइजर वाटर क्रीम है विथ हाइड्रोलिक एसिड एंड सी मिनरल। बहुत ही अमेजिंग से पैकेजिंग है। ब्रांड के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ, बट पहले इसका टेक्सचर देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका टेक्सचर देखा ना, आई वॉज कम्प्लीटली इन लव विद इट। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा है। सो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, एकदम ही ज़्यादा वाटर बेस्ड है, जेल बेस्ड टेक्सचर है इसका। सुपर लाइट वेट है एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें हाइलोरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा बहुत ही अच्छे से, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। एंड अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो उसके ऊपर मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेगा। विटामिन सी और ई है जो कि आपको स्किन में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाएगा। सी मिनरल्स है इसमें, नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है। सी मिनरल्स आपके टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगा, फाइन लाइन्स को रिड्यूस करेगा और स्किन को फॉर्म बनाएगा। ऑयल फ्री है, स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एंड यू नो, जिसको भी बहुत ज़्यादा स्टिकी मॉइस्चराइजर नहीं पसंद आते जैसे कि मुझे, आई जस्ट लव दिस क्योंकि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है लगाने के बाद। यू कैन यूज़ दिस इन एनी सीजन, कैन यूज़ बाय ऑल स्किन टाइप्स। एंड कितना ज़्यादा जल्दी ये स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है, ये देखिए आप। इंस्टेंटली आपका स्किन को ना एक बहुत ही अमेजिंग सा हाइड्रेशन दे देगा, बहुत ही अमेजिंग सा एक स्किन में एक लाइफ ला देगा, एक प्लम्पनेस ला देगा। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। ये है 650 रुपीज़ का। तो बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ स्किन केयर मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ मैं सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन को तो भूल सकते ही नहीं है हम। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। सनस्क्रीन मेरे पास यहाँ पर है अगेन रियो हर्ब्स का स्प्रे सनस्क्रीन है, सन प्रोटेक्शन स्प्रे विद SPF 50 PA++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन अप्लाई करने से मैं ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग से प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के, मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। जैसे कि आपने देखा वाटर क्रीम, आप इस सनस्क्रीन भी देखोगे ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रियो हर्ब्स ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है सोनाक्षी सिन्हा। इनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट। सो रियो हर्ब्स जो ब्रांड है इट वॉज क्रिएटेड विद अ विजन की ये आपको प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, वो भी एक अफोर्डेबल रेंज है। उनके सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी के हैं एंड इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इनकी रेंज में इंक्लूडेड है मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, इवन बेबी केयर। इनके वेबसाइट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वाटर क्रीम, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं इस स्प्रे सनस्क्रीन की। सो जनरली ना हमने देखा है सनस्क्रीन आर इन द फॉर्म ऑफ क्रीम जो कि लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाता है, हैवी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है। बट दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें ना जस्ट आपको स्प्रे फेस पे इसको स्प्रे करना है एंड इसका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो भी 50 है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। आपको स्किन पे बहुत अच्छे से एक लेयर बना देगा ताकि यू नो जो भी यूवी रेस है, जो भी हार्मफुल रेस है, वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। कैरेट सीड ऑयल है इसमें एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है एंड इसका जो फ्रेगरेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आपको सिंपली ये लेना है एंड पूरे फेस पे इसको लगा लेना है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो डेफिनेटली इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ना स्वेटीनेस नहीं लग रही है, ग्रीजी नहीं लग रहा, ऑयली नहीं लग रहा है, हैवी नहीं लग रहा है एंड ये मेकअप के नीचे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रह जाएगा ये। एंड स्पेशल इसकी बात है कि ना ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं कि सनस्क्रीन को एवरी 3-4 आवर्स में आपको रीअप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऑन द गो है, आप कहीं भी चाहो ना जैसे आपको स्प्रिंकल करना है एंड आपका जो सनस्क्रीन है रीअप्लाई हो जाएगा। दोनों ही प्रोडक्ट्स जो है रियो हर्ब्स के बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस ब्रांड अ ट्राई। डिटेल करता है 499 रुपीज़ का। सो स्किन हाइड्रेट हो गई है, सनस्क्रीन भी लग गया है। अब बढ़ते हैं आगे। फेस्टिव मेकअप लुक है, मैं थोड़ा सा हैवी बेस कर रही हूँ। फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी
का पोरलेस प्लस मैट फाउंडेशन, थोड़ा सा अपने बैकअप हैंड ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी स्किन को मैटिफाई कर देगा, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए अच्छा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ऑल टाइम फेवरेट सिस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा है, मैंने हर एक वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, सो मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता रही इस वीडियो में। और इसी को हाथ से ही ब्लेंड कर लेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप ब्रशेस नहीं यूज़ कर रही। अगेन ये बिगनर फ्रेंडली है, येट है ना, आप फेस्टिव के लिए इस मेकअप लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट न्यू टेक्निक अप्लाई किया, जो कि मैंने यू नो इंस्टाग्राम रील्स में देखा था। मैंने इस तरीके से यू नो कंसीलर को अप्लाई किया, ताकि ये ना एक लिफ्टेड लुक देता है आपके स्किन को, आपके फेस को एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है। सो ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये बेस तैयार हो गया है। एंड क्योंकि हमने स्किन केयर इतने अच्छे से किया था, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल भी स्वेटी नहीं होगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस टेकवेयर की का कॉम्पैक्ट पाउडर, जस्ट थोड़ा सा अपने फेस को सेट करने के लिए, स्पेशली अंडर आईज को सेट करने के लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेकअप ब्रशेस फ्रॉम मिनीस। जो आई शेडो पैलेट है मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है इस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। अगेन मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया, मुझे इतना ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ना ये बहुत सारे तरीके से यूज़ हो सकता है। एज मैं इसको एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो, एज अ हाईलाइटर यूज़ करती हूँ। सो क्योंकि फेस्टिव गेट रेडी है, आई एम गोइंग विद दिस नाइस पिंक पीच कलर को ले लेंगे। थोड़ा सा फॉल ऑफ जो भी है वो निकाल लेंगे एंड इसको प्लेस कर, कलर मोशन में यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। सेम गोज विद सेकेंड आई। नेक्स्ट एक दूसरा ब्रश लेके मैं बस यहाँ पर जो थोड़ा सा शिमरी कलर है पिंक में, सो क्योंकि फेस्टिव गेट रेडी करें, थोड़ा सा शिमरी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको लेके भी अपने पूरे आईलिड्स पे लगा ले रही हूँ। नेक्स्ट उसी ब्रश से थोड़ा सा लाइटर कलर लेके हम यहाँ पर ब्लश एज अ ब्लश अप्लाई कर लेंगे। आजकल ऑल ब्लश मेकअप लुक बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं भी यहाँ पर अपने नोज़ पे भी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ये ब्लश को स्प्रेड कर रही हूँ। गो टू हाईलाइटर। हाईलाइटर के मैं यहाँ पर जो गोल्डन शिमरी शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसी शेड को लेके मैं थोड़ा सा अपने आईलिड्स के इनर कॉर्नर्स में प्लेस कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम क्विकली अप्लाइंग दिस लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम मेबलिन कोलॉसल आईलाइनर है ये। थोड़ा सा बड़ा मैंने यहाँ पर विंग लुक क्रिएट किया हुआ, बिकॉज वाई नॉट, फेस्टिव सीजन है। काजल भी लगा लिया है, काजल मैंने यूज़ किया। अगेन मेबलिन का कलोसल काजल लिपस्टिक, लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर नायका की सोमैट मेरी मिनी वाली लिपस्टिक एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रश। सो हेयर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, बट मेरे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, तो मैं सिर्फ उनको फिक्स कर रही हूँ। ये हैक मैंने रिसेंटली ट्राई किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा नो पसंद आया। मैंने अपने रीसेंट हेयर हैक्स वाले वीडियो में भी शेयर किया है। मैंने सिंपली एक एलोवेरा जेल ले लिया है ना, इस तरह की ब्रश पे जेल लगा लिया है। अब इससे धीरे धीरे करके हम ये बेबी हेयर सेट कर लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से ना हेयर सेट भी हो जाते हैं एंड आपके बालों पर आपको कोई नो एक्सटर्नल केमिकल वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरी एंड ईजिली यू नो बेबी हेयर्स जो भी यहाँ पर ऊपर थे वो सारे सेट हो गए। ऐसे और ज्वेलरी ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से मंगवाया था, सो आई एम ट्राइंग दिस। आई होप ये ना ये ड्रेस के ऊपर अच्छा लगे। थोड़ा सा ना इसका पीछे का हुक थोड़ा लूज़ है एंड ईयर रिंग का पेज भी थोड़ा लूज़ है। सो यहाँ पर मैंने ये जो ड्रेस पहना है वो लिया था, ड्रेस मटेरियल लिया था मीशो से। इसका मैं कोड दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैं येलो बैंगल्स पहन रही हूँ एंड येलो पिंक बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीज़न में अच्छा लगेगा। दुपट्टा ले लिया है एंड येस वी आर रेडी टू रॉक द फेस्टिव सीज़न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।